नवरात्रों में कीजिए जगदम्बा का ध्यान, कन्या पूजन नित्य हो पूरा करो विधान। नवरात्रों का ये नियम पूज रहा संसार, आदि शक्ति नारायणी माँ को नमस्कार। सर्व मंगल मंगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज अश्विन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि है और अष्टमी तथा नवमी का दिन कन्या पूजन के लिए विशेष दिन होता है। इस दिन संपूर्ण नवरात्रि व्रत कथा को श्रवण करने वाले श्रोतागणों को आज के दिन कन्या पूजन की कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। आज के दिन शारदा नवरात्रि में कन्या पूजन की कथा को सुनने से सभी नौ दिनों का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्यक्ति के सभी तरह के मनोरथ सिद्ध होते हैं। व्यक्ति में भक्ति का संचार होता है। लंबी उम्र का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्यक्ति धन्य धान से परिपूर्ण होता है। अमोघ फल की प्राप्ति होती है। तो आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली कल्याणकारी कन्या पूजन की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित मन से सुनिएगा। एक बार इंद्रदेव ने भगवान ब्रह्मा से माँ दुर्गा को प्रसन्न करने के लिए उपाय पूछा, तो ब्रह्मा जी ने सुझाव दिया कि कुमारी कन्याओं का पूजन करें और उनको भोजन कराएं तथा कथा का श्रवण करें। हे इंद्रदेव, मैं आपको कन्या पूजन की कथा तथा उससे प्राप्त पुण्य फल के बारे में बताता हूँ, सो विस्तार से सुने। अश्विन माह शुक्ल पक्ष की अष्टमी तथा नौमी तिथि, इनमें से किसी भी दिन नौ कन्याओं तथा एक बालक को बुलाकर उन्हें विधि पूर्वक भोजन कराना चाहिए तथा कथा का श्रवण करना चाहिए। 2 साल की कन्या को कुमारी कहा जाता है। इनकी पूजा से दुख और दरिद्रता खत्म होती है। 3 साल की कन्या त्रिमूर्ति मानी जाती हैं। त्रिमूर्ति की पूजा से धन धान का आगमन और परिवार का कल्याण होता है। 4 साल की कन्या कल्याणी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से सुख समृद्धि मिलती है। 5 साल की कन्या रोहिणी मानी जाती हैं। इनकी पूजा से रोगी रोग से मुक्त हो जाते हैं। 6 साल की कन्या कालिका होती हैं। इनकी पूजा से विद्या और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 साल की कन्या को चंडिका माना जाता है। इनकी पूजा से ऐश्वर्य मिलता है। 7 साल की कन्या सांभवी होती हैं। इनकी पूजा से लोकप्रियता प्राप्त होती है। 9 साल की कन्या दुर्गा को दुर्गा कहा जाता है। इनकी पूजा से शत्रु विजय और असाध्य कार्य सिद्ध होते हैं। 10 साल की कन्या सुभद्रा होती है। सुभद्रा के पूजन से मनोरथ पूर्ण होते हैं और सुख मिलता है। प्राचीन काल के अनुसार कटरा के करीब हंसली गांव में माँ का परम भक्त श्रीधर पंडित रहता था। श्रीधर और उसकी पत्नी माँ दुर्गा की सुबह शाम पूजा करते थे। श्रीधर निर्धन होते हुए भी अपनी पत्नी के साथ संतुष्टि से जीवन यापन करता था। बस उसे एक ही दुख था कि उसके कोई संतान नहीं थी। वो दोनों दंपत्ति नवरात्रि व्रत किया करते थे। एक दिन रात को श्रीधर के सपने में माँ जगदम्बा आई और कहने लगी, हे श्रीधर, तुम नवकुमारी कन्याओं का पूजन करके उन्हें भोजन कराओ, इससे तुम्हारी इच्छा जल्द ही पूरी होगी। अब क्या था, माँ के आज्ञा के अनुसार श्रीधर ने अष्टमी के दिन नवरात्रि पूजन के दिन कुआरी कन्याओं को बुलाया। किंतु श्रीधर का पड़ोसी उससे अत्यंत ही ईर्ष्या करता था। उसके पड़ोसी ने सोचा, यदि श्रीधर के घर नौ कुआरी कन्याएं भोजन के लिए जाएंगी तो भोजन करने के साथ ही उसे आशीर्वाद प्रदान करेंगी तो श्रीधर को पुत्र की प्राप्ति होगी, वह उससे भी धनवान हो जाएगा। इसी कारणवश उस दुष्ट पड़ोसी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने बहुत ही अनुचित कार्य किया। श्रीधर ने जिन कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया था, उस पड़ोसी ने भी उन्हीं कन्याओं को अपने घर भोजन पर बुलाया, क्योंकि उसकी पत्नी भी
अष्टमी के दिन कुवारी कन्याओं को भोजन करवाने वाली थी, अतः उसने उन सभी कन्याओं को लालचवश अपने घर बुला लिया और उन्हें भोजन कराने के लिए बैठा दिया। अब क्या था, इधर गरीब ब्राह्मण श्रीधर अपने घर में अपने पत्नी के साथ उन कन्याओं की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन कन्याएं उसके घर नहीं आए। शुभ मुहूर्त भी बीता जा रहा था। इधर पड़ोसी ने भी बहुत चालाकी से उन कन्याओं को अपने घर रोके रखा और श्रीधर के घर नहीं जाने दिया। भोजन में विलम्ब होता देखकर श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ माँ भगवती माता वैष्णो देवी के मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर विनती करने लगा, उनसे अनुनय करने लगा। हे देवी माँ, मैंने तो कन्याओं को निमंत्रण दिया था लेकिन वो अभी तक नहीं आए। हे माँ, मेरी लाज बचाओ। हे माँ, मेरे इस व्रत को पूर्ण करने में सहायता कीजिए। ऐसा कहकर श्रीधर अश्रु धारा बहाने लगा। श्रीधर की भक्ति को सहज ही माँ वैष्णो देवी ने स्वीकार किया। अपने भोले भक्त की इच्छा को वे कैसे टाल देती। उन्होंने सभी बाकी की 8 देवियों का आवाहन किया, त्रिमूर्ति, कल्याणी, रोहिणी, कालिका, चंडिका, सांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, वराही। इन सभी देवियों का आवाहन करके माँ वैष्णो देवी महाबली हनुमान जी का आवाहन करती हैं और उन्हें अपने साथ लंगुरिया बनाकर ले जाती हैं। अपने घर 9 कुंवारी कन्याओं को आया देखकर श्रीधर बहुत ही हर्षित हुआ। उसने बड़ी ही श्रद्धा तथा भक्ति भाव से 9 देवियों के चरण को धोया तथा लंगुरिया रूप में हनुमान जी के चरण को भी धोया। उसके बाद बड़ी ही भक्ति भाव से श्रीधर ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर 9 देवियों का श्रृंगार किया, उनका पूजन किया, उन्हें चुनरी उढ़ाया, प्रेम से भोजन परोसकर अपने हाथों से पंखे का हवा झेलते हुए माता को भोजन करवाया तथा विधि पूर्वक उन्हें दक्षिणा देकर विदा करने लगा। अन्य कन्याएं तो चली गईं, किंतु माँ वैष्णो देवी नहीं गईं। तब श्रीधर की पत्नी ने कहा, हे कन्या, क्या तुम्हें अपने घर जाने की जल्दी नहीं है? सारी कन्याएं तो चली गईं। यह सुनकर कन्या हंसकर बोली, मैं आपके घर में भंडारा और ब्राह्मण भोजन करवाना चाहती हूँ। हे श्रीधर, तुम मुझसे जो भी मांगना चाहो वो आशीर्वाद मांग सकती हो। श्रीधर ने कहा, हे माता, हे कन्या, यदि आपकी यही इच्छा है तो माँ भगवती की इच्छा समझकर आप मुझे यह आशीर्वाद दीजिए कि मैं माँ वैष्णो देवी का साक्षात दर्शन कर सकूं और मुझे पुत्र की प्राप्ति हो। यह सुनकर माँ वैष्णो देवी ने श्रीधर को आशीर्वाद दिया और कहा, मैं आपके घर भंडारा और ब्राह्मण भोज करवाना चाहती हूँ। आप ब्राह्मणों को भंडारे का निमंत्रण दें और साथ ही पूरे गांव के लोगों को भी बुलाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको माता वैष्णो देवी का दर्शन होगा और आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। श्रीधर ने उस दिव्य कन्या की बात मान ली और आसपास के गांवों में भंडारे का आदेश पहुँचा दिया। लौटते समय गोरखनाथ और भैरव जी को भी उसके चेलों सहित न्योता दे दिया। सभी अतिथि हैरान थे कि आखिर कौन सी कन्या है जो इतने सारे लोगों को भोजन करवाना चाहती है। भैरवनाथ एक प्रसिद्ध तांत्रिक था और वह सभी सिद्धियों पर नियंत्रण रखने के लिए माना जाता था और भैरव को अपनी शक्ति का अभिमान था। भंडारे का दिन आ गया। सभी लोग श्रीधर की कुटिया की ओर चले आने लगे। लोगों को आता देखकर श्रीधर और उसकी पत्नी घबरा गए, क्योंकि अभी तक लोगों को भोजन करवाने के लिए कुछ भी नहीं बना था। दोनों दंपति माता की मूर्ति के सामने जा खड़े हुए और माँ की आराधना करने लगे। माँ की आराधना करते करते दोनों दंपति वहाँ पर सो गए। इतने में उनको एक दिव्य आवाज़ आई, हे श्रीधर, तुम घबराते क्यों हो? देखो, भंडारे के लिए सारा भोजन बन गया है। चलो जल्दी से लोगों को भोजन परोसा जाए। जैसे ही श्रीधर और उसकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देखा, वो दिव्य कन्या खड़ी थी। श्रीधर की कुटिया में बहुत से लोग बैठ गए। दिव्य कन्या ने एक विचित्र पात्र से भोजन परोसना आरंभ कर दिया,
जब कन्या भैरवनाथ के पास पहुंची, तो वह बोला, मुझे तो मांस और मंदिरा चाहिए। माता ने कहा, ब्राह्मण के भंडारे में यह सब नहीं मिलता। कन्या के दृढ़ स्वर को सुनकर भैरवनाथ ने जिद पकड़ ली, किंतु माता उसकी चाल भाप गई। वह पवन का रूप धारण करके त्रिकुट पर्वत की ओर उड़ चली। भैरवनाथ जी उनके पीछे गए। माना जाता है कि माँ की रक्षा के लिए पवन पुत्र हनुमान भी थे। मान्यता के अनुसार उस वक्त श्री हनुमान जी माता की रक्षा के लिए उनके साथ ही थे। हनुमान जी को प्यास लगने पर माता ने उनके अनुग्रह पर धनुष से पहाड़ पर वार चलाकर एक जलधारा निकाला और माता ने उस जल में अपने केश धोए। आज वही पवित्र जलधारा बाढ़ गंगा के नाम से जानी जाती है, जिसके पवित्र जल का पान करने या इसमें स्नान करने से श्रद्धालुओं की सारी थकावट और तकलीफें दूर हो जाती हैं। इस दौरान माता ने एक गुफा में प्रवेश कर 9 माह तक तपस्या की। भैरवनाथ जी उनके पीछे वहां तक आ गए। तब एक साधु ने भैरवनाथ जी से कहा, तू जिसे एक कन्या समझ रहा है वह आदिशक्ति जगदम्बा है, इसीलिए उस महाशक्ति का पीछा छोड़ दे। भैरवनाथ ने साधु की बात नहीं मानी। तब माता गुफा की दूसरी ओर से मार्ग बनाकर निकल गई। यह गुफा आज भी अर्धकुमारी या आदि कुमारी या गर्भभूजन के नाम से प्रसिद्ध है। अर्धकुमारी के पहले माता की चरण पादुका भी है। यह वह स्थान है जहां माता ने भागते भागते मुड़कर भैरवनाथ को देखा था। गुफा से बाहर निकलकर कन्या ने देवी का रूप धारण किया। माता ने भैरवनाथ को चेताया और वापस जाने को कहा, फिर भी वह नहीं माना। और क्या था, माता गुफा के भीतर चली गई। तब माता की रक्षा के लिए हनुमान जी ने गुफा के बाहर भैरवनाथ से युद्ध किया। भैरवनाथ ने भी हार नहीं मानी। जब वीर हनुमान निढाल होने लगे, तब माता वैष्णो ने काली का रूप लेकर भैरवनाथ का संहार किया। भैरवनाथ का सिर कटकर भवन के 8 मील दूर त्रिकुट पर्वत की भैरवी घाटी में गिरा। उस स्थान को भैरवनाथ के मंदिर के नाम से जाना जाता है, जिस स्थान पर माँ वैष्णो देवी ने हठी भैरवनाथ का वध किया। वह स्थान पवित्र गुफा अथवा भवन के नाम से प्रसिद्ध है। इसी स्थान पर माँ काली दाएं, माँ सरस्वती मध्य और माँ लक्ष्मी बाएं पिंडी के रूप में गुफा में विराजमान हैं। इन दोनों के सम्मिलित रूप को ही माँ वैष्णो देवी का रूप कहा जाता है। कहा जाता है कि अपने वध के बाद भैरवनाथ को अपनी भूल का पश्चाताप हुआ और उसने माँ से क्षमा दान की भीख मांगी। माता वैष्णो देवी जानती थी कि उस पर हमला करने के पीछे भैरवनाथ जी का प्रमुख मंशा मोक्ष प्राप्त करने की थी। उन्होंने न केवल भैरवनाथ जी को पूर्व जन्म के चक्र से मुक्ति दिलाई, बल्कि उसे वरदान देते हुए कहा कि मेरे दर्शन तब तक पूरे नहीं माने जाएंगे जब तक कोई भक्त मेरे बाद तुम्हारे दर्शन नहीं करेगा। उसी मान्यता के अनुसार आज भी भक्त माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद 8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई कर भैरवनाथ जी के दर्शन को जाते हैं। इसी बीच वैष्णो देवी ने 3 पिंडी सिर सहित एक चट्टान का आकार ग्रहण किया और सदा के लिए अंतर्मग्न हो गए। इसी बीच माता वैष्णो देवी ने पंडित श्रीधर को स्वप्न में सब कुछ बताया। वे त्रिकुटा पर्वत की ओर उसी रास्ते आगे बढ़े जो उन्होंने सपने में देखा था। अंततः वे गुफा के द्वार पर पहुंचे। उन्होंने कई विधियों से पिंडियों की पूजा की और दिनचर्या बना ली। देवी की पूजा से माँ वैष्णो देवी प्रसन्न हुई। वे उनके सामने प्रकट हुईं और उन्हें आशीर्वाद दिया। तब से श्रीधर और उनके वंशज माता वैष्णो देवी की पूजा करते आ रहे हैं और माता वैष्णो देवी अपने भक्तों का कल्याण निरंतर करती आ रही हैं। जगत में धर्म की हानि होने और अधर्म की शक्तियों के बढ़ने पर आदि शक्ति के सत, रज और तम 3 रूप महासरस्वती, महालक्ष्मी और महादुर्गा ने अपने सामूहिक बल से
धर्म की रक्षा के लिए एक कन्या प्रकट की। यह कन्या त्रेता युग में भारत के दक्षिणी समुद्र तट रामेश्वरम में पंडित रत्नाकर की पुत्री के रूप में अवतरित हुई। कई साल से संतानहीन रत्नाकर ने बच्ची को त्रिकुटा नाम दिया, परंतु भगवान विष्णु के अंश रूप में प्रकट होने के कारण वैष्णवी नाम से विख्यात हुई। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माता वैष्णवी, जय माँ भवानी, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, अब आइए सुनते हैं कन्या पूजन की दूसरी कथा। किसी प्रसिद्ध नगर में एक ब्राह्मण अपनी पत्नी मोहिनी के साथ रहा करता था। बहुत समय होने के बाद भी मोहिनी को एक भी पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। इससे दुखी होकर उसने एक साधु महात्मा से इसका कारण तथा निवारण पूछा। साधु ने कहा, हे पुत्री, पूर्व जन्मों के फल के कारण तुम्हें संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। यह सुनकर मोहिनी ने कहा, हे महात्मन, कृपया करके इसका कोई उपाय बताइए, विधि व्रत तथा हवन पूजन बताइए। यह सुनकर उस महात्मा ने कहा, हे पुत्री, आने वाले 4 दिन के बाद नवरात्रि का आरंभ हो रहा है। तुम नवरात्रि का व्रत रखो और अष्टमी के दिन 9 कन्याओं को विधिपूर्वक भोजन करवाओ। विधिपूर्वक भोजन करवाने के बाद उन्हें यथाचित दक्षिणा देकर विदा करो और अपने व्रत को पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। यह कह के ब्राह्मण वहाँ से चले गए। यह सब सुनने के बाद मोहिनी ने नवरात्रि का व्रत आरंभ किया तथा नवरात्रि के अष्टमी को उसने 9 कन्याओं को अपने घर में भोजन के लिए आमंत्रित किया। अब 16 श्रृंगार और स्वर्ण आभूषण से सजी धजी मोहिनी उस दिन धूमधाम से दुर्गा अष्टमी की पूजा की तैयारी करने लगी। कन्याएं आ चुकी थीं और ब्राह्मणी मोहिनी उन सभी को आलता लगाकर चुनरी पहनाकर हलवा पूरी का भोजन परोसने की तैयारी अपनी नौकरानी को आदेश दे देकर कर रही थी। वहीं सामने के दरवाजे के ओट में खड़ी नौकरानी की 7 वर्षीय पुत्री लालायित से सब कुछ देख रही थी। अकस्मात मोहिनी की नज़र उस पर पड़ती है और वो चिल्ला पड़ती है, ये लड़की यहाँ दरवाजे पर क्यों खड़ी है? क्या देख रही है? नज़र लगाएगी क्या मेरी कन्याओं को? जा भाग अंदर और अपनी माँ की मदद कर। नौकरानी ने जब मालकिन की रौबदार आवाज़ में अपनी बेटी को डांटते हुए सुना तो वह दौड़कर आई और हाथ पकड़कर खींचते हुए अंदर ले गई। बच्ची रुआसी हो गई। कन्याएं भोजन करके जा चुकी थीं। रात में थकान होने के कारण मोहिनी गहरी नींद में सो रही थी। अचानक उसने एक सपना देखा कि घर के जिस दरवाजे पर नौकरानी की बेटी ललचाई नज़रों से कन्या पूजन होते देख रही थी और उसने उसे डांटकर भगा दिया था, उसी दरवाजे पर लाल जोड़े और श्रृंगार से सुसज्जित किंतु क्रोधित रूप में देवी माँ खड़ी हुई हैं। अचानक डर के मारे उस ब्राह्मणी की निद्रा टूट गई। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था और वह बेसब्री से नौकरानी की और उसकी पुत्री का इंतजार करने लगी। उसे कल की गलती का प्रायश्चित जो करना था। जब उसकी नौकरानी और उसकी पुत्री उसके घर काम के लिए आई तो ब्राह्मणी ने बड़े ही प्रेम से नवमी के दिन उसके लिए भोजन बनाया और उस कन्या के पांव को धोकर उसका श्रृंगार किया, उसे भोजन कराया और जाते समय यथाचित दक्षिणा देकर उसे नमस्कार किया तथा अपनी गलती के लिए उसने क्षमा याचना की। कुछ दिनों बाद वह ब्राह्मणी गर्भ से हो जाती है। माता रानी की कृपा से उसे एक पुत्री की प्राप्ति होती है और वह माता को कोटि कोटि धन्यवाद करती है। जय हो माता रानी, जय माँ दुर्गा, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आज की यह कथा आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और हाँ, कमेंट में जय माता रानी, जय माँ भवानी, कृपा करो माँ अवश्य लिखिएगा। आपके जीवन में खुशियाँ सदा बनी रहें, आप हंसते मुस्कुराते और सौभाग्य से परिपूर्ण रहें, इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।